हेलो एवरीवन। तो आज हम अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो हम सीखेंगे। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं वो क्या है और उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला देख लो कि अगर कहीं भी हम एच इंटू एच करते हैं, जो कि आपने एक्सपोनेंट में पढ़ा हुआ है, तो उसे हम क्या लिखते हैं, एच स्क्वायर। अगर हम कहीं पे एच इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये एच स्क्वायर वाई क्यूब है। तो उल्टा हम यहां भी समझ सकते हैं ऐसा है, ठीक है। ये आपको काम में आने वाला, जो जो चीज काम में आने वाला है वो हम पहले देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद का आपको जो अलजेब्रा का बेसिक दे, वो इंटीजर्स का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसमें भी आपने सेम चीज देखा हुआ होगा, अगर देखा है तो। क्या है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अपोजिट साइन सिंपल सा है, सेम साइन रखोगे तो प्लस मिलेगा, अपोजिट साइन रखोगे तो माइनस मिलेगा, ठीक है। अपोजिट साइन हुआ तो माइनस और सेम साइन रहा तो प्लस, ये एक काम में आपको आने वाला है, नॉर्मल है। उसके बाद फिर तो जो भी मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। चलो एक एक करके देखते हैं, उसी से समझेंगे हम। तो पहला तो देखो, नंबर तो आपको नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, तो यहाँ ऐसा करो 3 × −5। यहाँ नंबर से नंबर मल्टीप्लाई किया, फिर आप लिखो h³ × h² सेम लिटरल्स। इसके बाद y⁴ × y लिखो, तो ये 3 और 5 −5 हो गया आपका −15। ये h³ और h³ यानी ये हो गया h⁵ और h⁴ और ये एच वाई सॉरी y⁴ और y⁵, ये भी हो गया आपका y⁵। सिंपल है मल्टीप्लीकेशन। एक और देखते हैं, यहां देखो पहले क्या करना है, नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। सो −½ × −3/5 × 2/3 × 5/7। पहले तो नंबर्स मल्टीप्लाई कर दिए, इसके बाद बचा है एच, तो h² यहां एच यहां एच। अब फिर क्या, पहला वाला तो डन है, दूसरा y, इसके बाद इसमें है y और यहां है y, सेम सेम जो होगा वेरिएबल वो एक साथ लिख लो, एकदम आसानी से हो जाए, कुछ भी नहीं छूटेगा, जेड और जेड, ठीक है। तो यहां देख लो ये हो गया, हाफ से है ये तो 3 और 3 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, 5 से ये 5 कैंसिल, माइनस और माइनस हो गया प्लस, यानी ये हो गया 1/7। और यहां पर ये h², 1 और 1, तो ये हो गया h⁴। यहां ये ब्रैकेट अब जरूरी नहीं है, हटा देते हैं। यहां y पे पावर हो गया आपका 3 और z पे पावर हो गया 4। सिंपली इसको ऐसे लिख देते हैं, h⁴ y³ एंड z⁴। हो गया सिंपल मल्टीप्लीकेशन, या ना नंबर्स को एक साथ और लिटरल्स को एक साथ। इसके बाद आ जाते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्या है कि ये सभी से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी और इससे भी। तो 5xy × 3x प्लस 5xy × 4y एंड प्लस 5xy × −7। तो ये हो गया 5 × 3 = 15, h² अब डायरेक्ट लिख रहे हैं और यहाँ पे y प्लस 5 × 4 = 20, h y × y y² और माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ पे है माइनस, सो −35xy, ठीक है। तो आराम आराम से ये बस डिस्ट्रीब्यूट कर देना है आपको। एक और देखते हैं ऐसा, 4xy² × 3y −4xy² × ये माइनस मैंने पहले ही रख लिया, तो अब बस बचा हुआ 7x, ठीक है, और प्लस 4xy²
इंटू एट, तो कैसा लिखेंगे, 4 इंटू 3 ये हो गया 12, एक्स रह गया y^2 और 1 यानी y³ माइनस 4 इंटू 7 28, एक्स 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 स्क्वायर यहाँ y², 4 इंटू 8 32, एक्स y² हो गया यार आराम से। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ऐसा सम करते हैं, तो इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही यूज करेंगे। क्या करेंगे, 4p के साथ 2 माइनस 3p और -7 के साथ 2 माइनस 3p, और अब फिर से ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4p इंटू 2 हो गया अपना 8p माइनस 4p इंटू 3p, सो 4 इंटू 3 12, p इंटू p p² आप चाहो तो एक स्ट्रिप ऐसा एक्स्ट्रा करके आप लिख सकते हो ज्यादा समझने के लिए, कि आप इसको कर दो 4p इंटू 2 माइनस 4p इंटू 3p, ठीक है, माइनस 7 इंटू 2 माइनस माइनस प्लस 7 इंटू 3p, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8p माइनस 12p² माइनस 14 प्लस 21p। अब देखो -12p² 8p एंड 21p मतलब हो जाइए ऐड ना 29p माइनस 14, ठीक है, देख लो। इसके बाद आते हैं फिर से वैसा ही 2x², अब इसके साथ पूरा ये, फिर प्लस 3, तो फिर पूरा ये 3x-5, ठीक है, तो 3x-5 इसके साथ भी और इसके साथ भी। अब मल्टीप्लाई करते हैं, -5 तो 2x² प्लस 3, सो 3x-3 इंटू 5, ठीक है, पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सेम टाइप में, तो ये हो गया आपका 6x² और एक पावर और है ना, 2 और 1, तो ये 3, देखो पावर 2 पावर 1 पावर 3 हो गया, 5 इंटू 2 10 हो गया x² प्लस 9x, 3 इंटू 3 9x माइनस में हो गया 15। तो कितना सिंपल है मल्टीप्लीकेशन अलजेब्रा वाला, ठीक है ना। इसके बाद फिर हम लोग दूसरे वीडियो में डिवीजन भी देखेंगे इसके बाद वाले वीडियो में, तो ये बहुत सारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, बेसिक मैथ्स के में देख सकते हो, क्लास 7 के प्लेलिस्ट में देख सकते हो, क्लास 8 का प्लेलिस्ट है, 9 का 10 का है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगता रहे तो लाइक करते रहो और लोगों को शेयर करते रहो, ठीक है, ऐसे और भी यूजफुल वीडियोस आते रहेंगे। अब देखो यहाँ है x और ये पूरा चीज, तो आप ऐसा मल्टीप्लाई कर लो x के साथ x प्लस 2y, फिर माइनस 2y के साथ x प्लस 2y और प्लस 3 के साथ फिर से x प्लस 2y, ठीक है, तो x के साथ भी ये, माइनस 2y के साथ भी और 3 के साथ भी, तो ये x से मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर हो गया, x 2y से मल्टीप्लाई हुआ 2xy हो गया, माइनस 2y x के साथ मल्टीप्लाई हुआ 2xy हो गया, ठीक है। आप xy लिखो yx लिखो, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन जो है अलजेब्रा में वो कम्यूटेटिव ही है, और माइनस 2y और 2y है, तो पहले तो ये माइनस और 2 इंटू 2 4y², अब यहाँ पे है 3x प्लस 6y, अब इतना मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो तो सीख ही रहे हो। अब x² ये और ये तो कैंसल आउट हो गया, माइनस में हुआ 4y² प्लस 3x प्लस 6y हो गया ये मल्टीप्लीकेशन। अभी आज का लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे प्लस 9 है क्वेश्चन में, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना, सिंप्लीफाई करके आंसर लिखना हमें, तो यहाँ क्या करेंगे, पहला तो x² के साथ x-3, फिर प्लस 3 के साथ x-3, और प्लस में 9 तो अलग से है। अब ये x² जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो x³ माइनस में 3x² 3 एंड x² 3x से मल्टीप्लाई हुआ तो 3x और माइनस में 9, और यहाँ था प्लस 9, तो ये कैंसिल हो गया, हुआ आंसर हमारा x³ माइनस 3x² प्लस 3x। तो आज के लिए मैं अलजेब्रा के मल्टीप्लीकेशन में इतना ही, ठीक है, आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में बताओ, और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दो। चलो, थैंक यू।